हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु मिश्रा। ये जो मैंने टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, आपको दिख रहा होगा ICR मेंटल एबिलिटी, जो कि टोटल 16 टॉपिक से मेंटल एबिलिटी पूछे जाते हैं। अगर आप ये पूरा पढ़ लोगे तो आपको कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो 16 टॉपिक्स ऑफ मेंटल एबिलिटी आस्क्ड इन ICR एग्जामिनेशन। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे टाइप के मेंटल एबिलिटी पूछे जाते हैं। तो ये रहा टोटल 16 टॉपिक। बहुत लोगों ने पूछा ICR का मेंटल एबिलिटी मिलता नहीं है कि कहाँ से। हम लोग ये ICR BHU सबके लिए काम आएगा। ये कम्बाइंड मेंटल एबिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। कहीं भी रीजनिंग पूछी जाएगी ऐसी ही रीजनिंग पूछी जाएगी। तो चलिए मैं शुरू करते हैं आज आपके सामने। पहले तो फ्रेंड, ये पहला टॉपिक में आपके 16 टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये आप जैसे ये छोटा सा कंटेंट नहीं होता इंग्लिश में, पहले क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले समरी पढ़ाते हैं, फिर उसका आंसर लिखने के लिए देते हैं, उसमें से आंसर पूछते हैं। तो ये आपको कुछ नियम्स हैं कोडिंग डिकोडिंग्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप ये नियम्स पढ़ लें। नियम पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चन पे आएं। जैसे कि ये समरी की तरह आप इसे रट डालें। रट क्या डालें, एक तरह से पढ़ लें कैसे। ये ट्रिक्स हैं। कहीं भी ट्रिक्स दिए नहीं रहते फ्रेंड्स, कहीं कोई भी ट्रिक्स नहीं देता। मैं BHU के प्रीवियस ईयर के पेपर डाला हूँ, उसमें भी ट्रिक्स मैंने नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक्स तक मिल रहे हैं कि आप बढ़िया से इसे सॉल्व कर जाओ। तो ये रहा आपका पहला। मैं आपको एक साथ पूरे 16 टॉपिक का तो नहीं दे सकता, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा ऐसे बना के सबको दूंगा, क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पड़ जाते हैं 16 टॉपिक से। सपोज दैट 16 टॉपिक है मेरे पास, 16 टॉपिक से मेरे पास ढेर सारे मटेरियल हो जाएंगे, मैं कैसे पोस्ट कर पाऊंगा। इसलिए मैं इसे टॉपिक्स वाइज दूंगा। आप इसे पॉज करके वीडियो देख सकते हो, और 5 मिनट का वीडियो है, आपके लिए बेनिफिशियल है ये। कैसे, और मैं दूसरी बात, ये कैसे होगा मैं ये आपको भी बता दूंगा, पूरे आंसर भी आपको दिखा दूंगा। पहले आप एक पॉज करके इसे क्वेश्चन उतार लो एक जगह, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के, फिर कैसे होगा ये आंसर दिए हुए हैं टोटल। अब ये दिखाते हैं आपको पहला, जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन है। आइए मैं आपको ऐसे से दिखा देता हूं। ये रहा आपका दोनों क्वेश्चन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कैसे ये सॉल्व हुआ, ये सबका ट्रिक दिया हुआ है इसमें। आते हैं अब 7वें क्वेश्चन पे। तो ये आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। 7वां ऐसे सॉल्व होगा, फिर 8वां, फिर 9th क्वेश्चन, फिर 10th क्वेश्चन, फिर 11th क्वेश्चन एंड 12th क्वेश्चन। अब 13 पे आते हैं। 13 ऐसे सॉल्व होगा। आप वीडियो पहले आप क्वेश्चन लिख लें एक तरफ, या फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आंसर एक जगह उतार लें, या फिर एक कॉपी ले लें, कॉपी में क्वेश्चन लिख लें, आंसर लिख लें। देखिए आपको निकालना है कंपटीशन, तो कुछ तो करना होगा आपको। सो फॉर दैट आपको इतनी तो मेहनत करनी होगी खुद से। सो मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब अगले पार्ट में मैं ये एनालॉगी का पूरा वैसे सेम टू सेम वीडियो बना दूंगा, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बनाऊंगा। इस वीडियो का नाम पार्ट 1 होगा, एनालॉगी का नाम पार्ट 2 होगा। ऐसे ही पार्ट 16 तक जो भी सॉल्व कर लेगा उसका पूरा निकल जाएगा। छोटे छोटे वीडियोस काम आते हैं। सो ये ICAR का बुक का है, आप देख सकते हैं ये ICAR का है, कंडक्टेड बाय ICAR एंड अदर यूनिवर्सिटीज। सो ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड इफ एनीवन वांट्स दिस वीडियो देन यू कैन शेयर इट फ्रॉम माई लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर एग्जामिनेशन। ICR के लिए ये मेंटल एबिलिटी है।